नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत दिनों जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर अनूद सूद के तथा उनके निवास स्थान पर जाकर के उनके परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें अपनी तीनों सेनाओं के जवानों पर नाज है जो देश की सीमाओं के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि हम सभी ऐसे शहीदों और उनके सैनिकों तथा सैनिक परिवारों के सदा ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम शहीदों की कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, परंतु उनके पारिवारिक सदस्यों की हर प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने अलग से सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार शहीद के परिवार को 50 लाख रुपये धनराशि और सरकारी नौकरी प्रदान करना सुनिश्चित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद, माता सुमन देवी, बहन कर्नल हर्षिता, पत्नी आकृति सिंह सहित पूरे परिवार के साथ सांत्वना दी। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। मेजर अनुज सूद जो आतंकवादियों से लड़ते हुए प्राप्त हुए उनके ऊपर हमको गर्व है। देश पर शहीद होने वाले हमेशा अमर रहते हैं। इस प्रकार के बलिदानी इनकी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि आप देख रहे हैं कि इनके बलिदान होने के बाद पिछले 2 दिन में आतंकवादियों को हमारी सेनाएं, हमारी फौज खूब कड़ा इस प्रकार का मुकाबला करके उनको धराशायी कर दिया है। उनके कमांडर पूरी कल धराशायी हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसे शहीदों के कारण से ही हम अपने देश के एक प्रकार से गौरव को बनाए हुए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार पे जो भी एक क्षति आई है उसको पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवार को सहयोग के लिए जो हमारी योजना है उसमें 50 लाख रुपए की नगद राशि और एक नौकरी। पूर्व DGP हंसराज खान, उनका भी अभी निधन हुआ है और उनके निधन पर मैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूं और उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।